दोस्तों, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की वैकेंसी आ सकती है जल्द ही। और यहाँ पे पाठ्यक्रम पे हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो जीके से क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स रीजनिंग से, रीजनिंग के बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथ्स के रहेंगे, हिंदी रहेगी इसमें। फिर कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पर हमें खास कर क्या पढ़ना है, ठीक है? तो विशेष तौर पर जिसे सामान्य ज्ञान है, तो यहाँ से कुछ विविध से क्वेश्चन मध्य प्रदेश ज्ञान से, और राज्य व्यवस्था से, विज्ञान और अंतरिक्ष से क्वेश्चन न के बराबर देखने को मिलेंगे, भूगोल से क्वेश्चन, इतिहास से और अर्थव्यवस्था से हो सकता है एक आध क्वेश्चन। गणित तो पूरी आपको पढ़ना है, उसके बाद हिंदी भी पूरी पढ़ना, और विशेष रूप से रस, छंद और अलंकार से भी क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। और कंप्यूटर से संपूर्ण कंप्यूटर का जितना भी सिलेबस होता है, जो भी टॉपिक होते हैं, वो सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको। इसके अलावा अगर विशेष अगर ध्यान अलग से देना हो, तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इमोनेशन कोई नया आविष्कार हुआ है, वो एमएस ऑफिस से, वेब्स और जितने एप्लीकेशन है, पोर्टल जितने हैं किसानों से जुड़े हुए और इन सेवाओं से और जितनी भी योजनाएँ हैं वो। अब यहाँ पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था से, जैसे कि भारत कृषि विकास, कृषि संबंधी योजनाएं हैं, भारत मध्य प्रदेश सिंचाई परियोजना, भूमि विकास संरक्षण, पंचायती राज व्यवस्था, इतिहास और अब तक, और पंचायत समितियां जो है वो, पंचायतों का निर्वाचन कैसे होता है, वो पूरी प्रक्रिया समझना है हमको। इसके अलावा यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन, जो कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है ये, और पंचायत से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है वो, और पंचायतों के कार्य हमें समझना है, और ग्रामीण उद्योग रोजगार, सहकारी बैंकों का योगदान, और कृषि ऋण और कृषि से संबंधित संसाधन, इन टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है। और दूसरी बात, आपको पुराने जो पेपर है वो देखना है, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।